ज्ञानबहु कार्तिक की आरती तुम उतारो। हमारे देवर साहब को किसी की नजर न लगे। अजी आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया जब हमारा कार्तिक भी छाती ठोककर आन बान शान से कह सकता है कि वो भी एक जिम्मेदार मर्द है मेरी तरह। मैं कार्तिक, मैंने तो बहुत से मुजरिमों को कैद किया है, लेकिन जो उम्र कैद तुम्हें होने जा रही है उसमें रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। You are absolutely right. Wrong, Shibu bhaiya, wrong. You are absolutely wrong. ज्ञाना बहू, चलो बाहर घुड़चड़ी की भी रस्में शुरू करनी है, आइए आप लोग। चलो जी, मुझे तो बहुत नाचना नाचना भी है, चलो चलो। आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? वो भी किसके साथ, आपने सोचा है कभी? नहीं नहीं, नो नो, ट्रैफिक वैफिक का बहाना नहीं चलेगा। आप फौरन यहां पहुंच जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। इससे तो अच्छा होता कि हम खुद ही सारे इंतजाम कर लेते। वो वेडिंग प्लानर मिस ठक्कर ने तो सब इंतजाम चौपट करके रख दिया है। लवली रोमत, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं मेरी शादी होगी या फिर। अरे बेटा जी, आप क्यों रो रही हैं? आपके सपनों का राजकुमार बस थोड़ी देर में आता ही होगा। अभी तक इनका कोई, इतनी देर कैसे कर दिया आपने? सॉरी मैडम, रास्ते में ट्रैफिक था। इनफ इनफ,
अब जल्दी से इनको तैयार कर दीजिए। महारानी जी आप भी जाके जल्दी से तैयार हो जाइए, बारात किसी भी वक्त आ सकती है। हाँ देखिए जल्दी से तैयार कर दीजिए इन्हें। ठीक बेटा जी मैं भी चलती हूँ। तानिया तो इसको तैयार कर बेटा, मैं काम देखती हूँ। नहीं मेरी लेला, अब तू भी जल्दी से शादी का जोड़ा पहन और ब्यूटीशियन तुझे फिर से तैयार कर देगी। ठीक है गॉड। अरे बारात आ गई, जल्दी कीजिए बारात नीचे पहुंच गई है। पता नहीं उनके स्वागत के लिए नीचे होगा भी या नहीं। एक बात याद रखना कि इस ब्याह का आधार झूठ है, चाहे जो भी हो, पर हम इस ब्याह के खिलाफ हैं। इससे पहले कि ये कड़वा सच उन्हें कहीं और से पता चले, हम आशा करते हैं और चाहते हैं कि ये सच अब खुद ब खुद अमस्सा को बता दीजिए। सा, यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। बस अब रुक जाइए। बेटा ब्याह सही मुहूर्त में ही होना चाहिए, देर हो जाएगी। अरे कोई पानी पिलाएगा मने? हाय राम जी, देखो यहाँ पे बारात खड़ी है और दरवाजे पे कोई ना है स्वागत करने के लिए। नाच नाच के पसीनों भी बहा दियो मैंने। अरे कोई है भाई पानी देने के लिए? अरे दो घड़ी सबर करो, छोरी के घर में घुसते पानी भी मिलोगे, चाय भी मिलेगी, खाने को भी मिलेगी। लेकिन माँ सब मैं, अरे हमने तो सोचा था कि बारातियों का स्वागत एकदम आन बान और शान से होगा, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे बारातियों को तो छोड़ो, दूल्हे को कोई नहीं पूछ रहा है। और नहीं तो के? नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे गहना मारे को तो लागे मैं प्यास के मारे यहीं पे मर जाऊंगी ऊंट की कसम। ये आरती ना यहाँ सिर्फ फ्री खाने और पानी के लिए आई।
बोला। सा, कार्तिक को बुलवाइए। अरे कार्तिक को ले आओ। कार्तिक बेटा, जरा छोरी को फोन लगा। अच्छी अम्मा सा। लवली, कार्तिक का फोन। हेलो। हेलो लवली, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? हम लोग बारात लेकर आ गए हैं। यहाँ बरातियों का स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। क्या वहाँ पर कोई भी नहीं है क्या? मैं अभी देखती हूँ। ओके। तानिया, जाके मोमेंट को बोल के बारात दरवाजे पे खड़ी है, वहाँ पे कोई भी नहीं। हाँ मैं जल्दी जा फटाफट। हाँ, हाँ। मॉम डैड भी ना भाई, देवी माँ की कृपा से मैं तो प्रार्थना करूँ कि पिछली बार जो बाधा हुई थी वो अब ना हो। आरती, खबरदार जो ऐसे शुभ मौके पे अशुभ बात निकाली तो। लड़की के माता पिता कहाँ हैं? जवाई का द्वारचार तो वो ही करेंगे ना? बस आते ही होंगे। क्षमा कीजिएगा, आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। दरअसल हम अरे रहने दे बेटा, अब हमें तो आदत ही पड़ गई है। चलो रसम शुरू करो। हाँ चलो माला शुरू करो। दाईचा, आप ना हमें सब बताती जाइएगा। हाँ महारानी जी। पहले टीका लगाइए। देखो दुल्हन की माँ को आरती उतारे ना अवे, उल्टी आरती उतारे। मेरी भी आरती उतार लो, मैं भी छोटा डोला हूँ। पहला और आखिरी मौका होता है सास का कंवर सा की नाक मरोड़ने का। अरे बेटा घबरा मत, ये तो एक रसम है, लेकिन नाक मारे छोरे की धीरे से रगड़ना। मेरे ख्याल से रस्में हो गई सारी। आइए चलिए। देखिए आपको ये मिलने की रस्म की जानकारी तो होगी ना? उसके लिए किसी खास चीज की जरूरत होती है? जी उसमें
दूल्हे के साथ साथ परिवार के दूसरे पुरुषों का स्वागत करने के साथ साथ तोहफे भी दिए जाते हैं। लेकिन गिफ्ट्स का इंतजाम तो हमने किया ही नहीं। माला जी, इसमें समस्या क्या है? ये कोई इशू नहीं है भाई, गिफ्ट भी आखिर हम पैसों से ही लेते हैं, तो हम डायरेक्ट इन्हें पैसे दे देते हैं। केशव, ये लीजिए, बांट दीजिए पैसे। देखो बेटा, हम यहाँ पर छोरे का ब्याह कराने आए हैं, पैसे लेने ना आए हैं। थारे को रीति रिवाजों का जरा भी सम्मान नहीं? माजी साहब, आप तो अन्यथा ले रही हैं। मासा, इनके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है ना, तो इन्हें रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं है। वो आपको याद होगा, गांव में लिफाफे में थोड़े से रुपए रख के, इच्छा अनुसार रुपए रख के और समधियों से गले मिला जाता था। तो वैसे यहाँ कर लेते हैं, है ना ताकि जी? और आप हर लिफाफे में 11-11 रुपए रखकर रसम अदा कर दीजिए। बस हम अभी आए। आइए मासा, आइए आइए आइए। अरे रुको 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 बेटा रुको, अभी यहाँ भी एक रस्म होती है त्यागी जी। चलिए बताइए। बेटा, तलवार से इस तोरण पर वार करो और उसके बाद प्रवेश करो। केशव, वेटर को बोलो शरबत नाश्ता वगैरह सर्व करेंगे। एक ना एक दिन अम्मा सा को सब पता चल जाएगा, और तब अगर उन्होंने हम पर उंगली उठाई ना, तो हमसे सहन नहीं होगा। नीचे बुलाओ ताकि रस्में शुरू करें। जी माजी साहब। अन्या, बेटा लवली को लेके आओ। अपने सबसे लाडले बेटे की शादी है, पर सत्तो की बहू के चेहरे पर अभी भी खुशी की झलक भी नहीं नजर आ रही है। ये बात मैं फेरों से पहले सत्तो की बहू के मुंह से उगलवा के रहूंगी कि कौन सी बात है जो उसे खाई जा रही है। वाह जी वाह, जी लवली 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 तो आ गई।
अरे कार्तिक, वो मैं कह रही थी कि अब तो ये तेरी बूटी हो गई है, तो इस तरह से घूर घूर के देखना बंद करो, नजर लग जाएगी बेचारी को। बेटा मंडप पे बैठने से पहले एक छोटी सी रस्म है, बिन्नी के हाथ में छड़ी होती है और वो सास ससुर को मारती है छड़ी से। अच्छा, ये प्रतीकात्मक रस्म है इसीलिए छड़ी मंगवाई। पंडित जी दीजिए भाई छड़ी दीजिए। इस छड़ी से मुझे अपनी सास को मारना है। हे भगवान, ध्यान देना कहीं उन्हें जोर से न लग जाए। निमी भाभी, इसे पहले ही समझा दे कि इस रस्म में धीरे से छड़ी से मारना होता है, वरना ऐसा ना हो कि कलश वाली रस्म की तरह कोई अजूबा कर दे। इस रसम में ना सास को हल्के से छड़ी छुआई जाती है। निमी भाभी ठीक कह रही हैं। वैसे तो तुम जानती ही हो, पर फिर भी हमने सोचा कि एक बार फिर से बता दें। अरे बेटा, थारे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो एक रस्म थी बेटा, पर थारी सास तने शिकायत का एक भी मौका ना देगी, क्योंकि थारी सास अपनी बहुओं को बहुत प्यार करे है। मने तो अपनी बहू पे बहुत गर्व है, घड़ों गर्व है। अरे दुनिया भले ही इधर की उधर हो जाए, पर मजाल है मारी बहू एक सब भी झूठो बोल जाए। सर से पांव तक सच्चाई की मूरत है मूरत। हम आशा करते हैं
ये सच आप खुद ब खुद अमस्सा को बता दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे।